सबको जय मसीह की। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रभु यीशु मसीह से क्षमा प्राप्त करने के लिए बाइबल वचन। दानियल 9 अध्याय वचन 9 में लिखा है, परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि हम अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के आगे मान लेते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करते हैं और हमें शुद्ध करके विश्वास योग्य और धर्मी बनाते हैं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय वचन 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुटकारा है और यदि हम अपने पापों की क्षमा चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें धोकर शुद्ध करता है जब हम अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के आगे मान लेते हैं। इफिसियों 1 अध्याय वचन 7 में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। परमेश्वर का वचन बताता है जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं परमेश्वर उनको क्षमा करते हैं। भजन संहिता 103 अध्याय वचन 13 में लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि यदि हमारे पाप चाहे कितने भी लाल रंग के क्यों ना हो वे उन्हें धोकर शुद्ध कर सकते हैं। यशाया 1 अध्याय वचन 18 में लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे और चाहे अंग्रवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे।